नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अंजू जो कि पाकिस्तान में जा कर के बस गई है, या यूं कहें कि पाकिस्तान में जा कर के वो बेहद बुरी तरीके से फंस गई है। अंजू जो कि भारत आना चाहती है, कहती है कि भारत में इस तरीके से मेरे लिए माहौल बना दिया गया है कि अब अगर मैं भारत आऊँ भी तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है वहाँ रहना। सीमा हैदर की तरह अंजू ने ये कदम उठाया, लेकिन अंजू साफ कहती है कि वो कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती और ना ही उसने गद्दारी की है। वो लीगली तरीके से पाकिस्तान में आई है, वीज़ा लेकर के आई है और अब वो भारत में आना चाहती है। अब इसी पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल अंजू का मानना है कि उसने निकाह नहीं किया है। जी हाँ, हालांकि ये बात अंजू कई बार कहती आई है, उसके बाद अंजू ने माना कि उसने निकाह कर लिया है, लेकिन अब दोबारा से अंजू का कहना है कि उसने निकाह नहीं किया है बल्कि उसने केवल सगाई की है। जबकि कुछ तस्वीरें जो थी वो सामने आई थी जिसमें निकाह की बातें की जा रही थी। एक और सबसे पहले अंजू ने दावा किया कि उसने निकाह नहीं किया है। पाकिस्तान की पूरी सरकार कहती है कि अंजू ने निकाह कर लिया। पाकिस्तान के लोग अंजू को निकाह के लिए गिफ्ट देते हैं। नसरुल्लाह भी कहता है कि अब अंजू उसकी पत्नी बन चुकी है। एक बार को अंजू ने भी इस बात को मान लिया था कि उसका निकाह हो चुका है। ये एक लंबे वक्त की कहानी है, लेकिन अब उसी बीच में अंजू 10 से 15 दिन बाद दोबारा से आती है और कहती है कि उसका निकाह नहीं हुआ है बल्कि केवल सगाई हुई है। एक के बाद एक बयान यहाँ बदलती हुई अंजू दिखाई दे रही है। ऐसे में ये साफ नज़र आ रहा है कि अंजू और पाकिस्तान में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे लेकर के बहुत सारे लोग कई सवाल उठा रहे हैं और साथ ही जानना भी चाहते हैं कि आखिर अंजू और नसरुल्लाह की ज़िंदगी में क्या है। अंजू और नसरुल्लाह के बारे में काफ़ी कुछ इन दिनों सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। हाल में ही अंजू का एक वीडियो सामने आया, एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें अंजू ने दावा किया कि वो नसरुल्लाह और अंजू एक दूसरे से अलग रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। इस तरीके के दावे अंजू करती हुई दिखाई दी। ऐसे में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन अंजू ने पैदा कर दी है। हालाँकि कहा यह जा रहा है क्योंकि अंजू को भारत में आना है इसलिए अंजू इस तरीके के दाव खेल रही है। हालांकि पूरी सच्चाई क्या है इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अंजू की बातों पर किसी भी तरीके से विश्वास करना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जहां तमाम लोग कहते हैं कि अंजू ने निकाह कर लिया है, एक बार को अंजू खुद मानती है आगे आखिर इतने वक्त बाद अब दोबारा से अंजू निकाह नहीं हुआ है, इस तरीके के दावे आखिर क्यों कर रही है, क्यों अंजू ने निकाह की बातों से पलटकर सगाई की बात को मंजूर किया, ये तमाम बातें इस बात की गवाही दे रही है कि अंजू को महज पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अपने हाथों की कठपुतली बना करके रखा है और अंजू अब अपने ही फैसले पर बुरे तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है और उसे पछतावा भी हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या अंजू जो बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि वो भारत आएगी, क्या भारत आती है और अगर आएगी तो फिर उसका जो अंजाम है वो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि परिवार वालों ने साफ कर दिया है कि अगर अंजू भारत में आती है तो फिर वो उसके साथ ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे और साथ ही वो खुद अंजू को सज़ा देने के लिए तैयार है। देखते हैं कि अब इस पूरे मामले में अंजू का अगला मोड़ क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।